दोस्तों 4 जुलाई यानी आज के दिन धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है। धर्म चक्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गौतम बुद्ध ने शिक्षा देना आरंभ किया था। उन्होंने अपने 5 शिष्यों को पहली बार सारनाथ में शिक्षा के उपदेश दिए थे और इसी दिन को धर्म दिवस के रूप में जानते हैं। हाल ही में अभी पीएम मोदी ने भी देश को संबोधित किया है धर्म चक्र दिवस के रूप में। पीएम मोदी ने इस दिवस पर देश को संबोधित किया वीडियो कॉलिंग के जरिए और भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है जब गौतम बुद्ध ने पहली बार शिक्षा देना आरंभ किया, अपने प्रथम 5 शिष्यों को सारनाथ में जाके पहली बार उपदेश दिया और इसी दिन को धर्म दिवस के रूप में मनाते हैं। बता दूं फ्रेंड्स, यह उत्सव दुनिया भर में बौद्ध अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है और यह बुद्ध के गुणों को प्रतिबिंबित करने और उनकी शिक्षाओं के लिए आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। धर्म का ये भी तात्पर्य है कि बुद्ध के उपदेश, धर्म का मतलब है बुद्ध के उपदेश। और उन्होंने आत्मविज्ञान प्राप्त करने से पहले वे एक राष्ट्रकुमार के रूप में भी रहते थे। बता दूं फ्रेंड्स, उन्होंने 4 आर्य सत्य को भी पढ़ाना शुरू किया और अष्टांग मार्ग निर्धारित किया, जिसे फ्रेंड धर्म चक्र के रूप में भी हम जानते हैं। उन्होंने फ्रेंड जीवन को दुख, हानि और कठिनाई से भरा पड़ा है ये भी कहा, और धर्म पर काफ़ी विचार करके ध्यान देने से और विचार कार्य और सही स्थिति में सही काम करने से व्यक्ति को दुख या पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है, ये भी उन्होंने अपने विचारों में संकलित कराया। उन्होंने शिक्षाओं के सार, दुख के कारणों का पता लगाने और इसे समाप्त करने के लिए एक सार्वभौमिक निमंत्रण शामिल किया और इनकी जो विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि, आयु वर्ग, आय स्तर, यहाँ तक कि धार्मिक पृष्ठभूमि के छात्रों की भी एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इन्होंने अपील की। बुद्ध को भगवान के रूप में ही नहीं देखा जाता बल्कि एक आम इंसान के रूप में भी देखा जाता है। इस उत्सव के माध्यम से हम उनके जीवन को समझने का एक इस वीडियो के माध्यम से केवल ये ही जान सकते हैं। और बुद्ध की जो शिक्षा हैं, बौद्ध धर्म के जो 3 रत्नों में से एक है, अन्य 2 में बौद्ध शामिल हैं जो शुद्ध या प्रबुद्ध मन का प्रतिनिधित्व करते हैं और संघ, दोस्ती, साथी, साधकों और प्रबुद्ध प्राणियों को समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। बता दूं, इसे मध्य मार्ग भी कहा जाता है। उन्होंने अष्टांग मार्ग भी दिया, 8 रास्ते भी दिए जिसमें शामिल है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक या सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यामान, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि के रूप में भी इन्हें वर्णित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में पीएम मोदी ने भी देश को संबोधित करके बौद्ध चक्र दिवस मनाया गया और इस दिन पहली बार सारनाथ में जाके 5 शिष्यों के बीच गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए और ये दिवस धर्म चक्र दिवस के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में मैंने बताया बौद्ध धर्म चक्र दिवस किस लिए मनाया जाता है, क्या होता है और हाल ही में मोदी ने क्या कहा देश को संबोधित करके। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।